नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने आज जयपुर की विद्याधर नगर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं इस दौरान उनकी नामांकन रैली में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। जब से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, तब से विद्याधर नगर सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को टिकट नहीं मिलने से काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा था। आज सांसद दिया कुमारी ने अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने एफिडेविट में निर्वाचन आयोग के सामने क्या कुछ अपनी कुल संपत्ति लिखी है और क्या कभी उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है, आज हम आपको हर छोटी चीज से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको उनकी संपत्ति से अवगत करवाते हैं। 2023 में दिए गए नामांकन में दिया कुमारी के पास आज के दिन तक 19,19,87,382 रुपए की संपत्ति है, जिसमें 75,600 रुपए इन हैंड कैश है। अब अगर बात इससे पहले 2019 में दिए ब्यूरो की करें तो उन्होंने कुल आय 16,59,00,000 रुपए होने का दावा किया था। वहीं अगर बात 2013 विधानसभा चुनाव के वक्त की जाए तो दिया कुमारी की कुल संपत्ति 9,64,00,000 थी। तो वहीं 2013 से 2019 तक दिया कुमारी की संपत्ति में करीबन 6,95,00,000 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर 2018 से 2023 तक की बात की जाए तो करीबन 3.5 करोड़ रुपए बढ़े हैं। अब अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने लंदन में पार्सन्स आर्ट एंड डिजाइन स्कूल से सन 1989 में फाइन आर्ट डेकोरेटिव पेंटिंग में डिप्लोमा हासिल किया था। वहीं अब बात करते हैं कितने ऐसे मामले हैं जिन पर उनके ऊपर FIR दर्ज है और क्या कभी कोई ऐसा मामला है जिसमें उनको दोषी ठहराया गया है। तो ऐसे तो एक भी मामले नहीं है जिनमें वो अभी तक दोषी करार हुई हैं। साथ ही उनके खिलाफ एक मामला दर्ज है। अब बात करते हैं कि उनके पास गाड़ियां कितनी हैं। तो मोटर वाहन तो उनके पास एक भी नहीं है और ना ही उनके पास विमान है, ना ही शिप है और ना ही याच है उनके पास। वहीं आपको अगर उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में बताएं, एफिडेविट के अनुसार अगर बात की जाए तो लागू नहीं है, दर्ज किया गया है। पर हम आपको बता दें कि दिया कुमारी तलाकशुदा हैं और उनकी शादी अगस्त 1997 में हुई थी। और इसी के साथ आज के नामांकन एफिडेविट में उनके बच्चों का नाम भी कहीं नहीं लिखा गया है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल राजस्थान चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।